केजरीवाल ने त्याग की मिसाल पेश की है। अगले कुछ महीने जब तक दिल्ली में चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक वो अहम पद संभालेंगी। पंकज जैन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पंकज, जिस इमोशनल कार्ड की बात लगातार की जा रही थी वो आज एक बार फिर से आतिशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जाहिर किया, इमोशनल, साथ ही उन्होंने त्याग की भावना इसमें बताई। उन्होंने कहा कि जल्द चुनाव होंगे और तब तक वो सीएम बनी रहेंगी जब तक चुनाव नहीं हो जाते, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर ही वोट डलते हैं। देखिए, आतिशी का जो भाव था इस पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत में, वो थोड़ा दुख भरा चेहरा उनका नजर आया। इसके पीछे क्या अब रणनीति हो सकती है, क्योंकि उन्होंने दो अहम बातें कही। पहली अहम बात उन्होंने ये कही कि अरविंद केजरीवाल उनके गुरु हैं, उन्होंने उन्हें विधायक, मंत्री और अब मुख्यमंत्री बनाया। दूसरी बात उन्होंने कही कि कोई भी मुझे बधाई मत भेजना, कोई भी मुझे माला मत पहनाना, क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो बहुत दुखी हैं। लेकिन यहाँ पर जो चुनौतियां हैं उनका जिक्र भी आतिशी ने किया, और बिल्कुल, क्योंकि यहाँ आपको एलजी और केंद्र सरकार के बीच जो झगड़ा होता है उसके मध्य से एक रास्ता लेकर जाना होगा और सरकार के कामकाज चलाने होंगे। सरकार अगली कब बनेगी, किसकी बनेगी, ये बड़ा सवाल है, लेकिन जो चुनाव होंगे उससे पहले आम आदमी पार्टी सरकार के ऊपर कामकाज की सबसे बड़ी चुनौती होगी। नेहा, आपको याद होगा जब भी आम आदमी पार्टी सरकार प्रचार में उतरती है तो वो ये कहती है हमने बिजली के लिए काम किया, पानी के लिए काम किया, महिलाओं के लिए किया, बुजुर्गों के लिए, लेकिन कामकाज अगर नहीं होगा, कामकाज पर अगर असर होगा तो कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के बीच भाजपा जो है वो असर करने में कामयाब हो सकती है। लेकिन इसी असर को कम करने के लिए इस पूरी रणनीति को अंजाम दिया गया है, मुख्यमंत्री आवास अरविंद केजरीवाल का, और साथ ही यहां से बाहर आई आतिशी जो कि अब नई मुख्यमंत्री चेहरा है। नेहा, ठीक है पंकज, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब शिवम जी, लगातार ये कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थितियां बीजेपी ने बना दी कि उसमें आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा सौंपना पड़ा। यहां पर त्याग वर्ड का इस्तेमाल किया आतिशी ने जब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, बहुत बड़ा त्याग किया, और आपकी तो 22 राज्यों में सरकार है, वहां पर आप वो चीजें, वो सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जनता को, जो यहां दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने मिसाल पेश कर दी उन तमाम सुविधाओं को देकर। नेहा जी, आज देखकर बहुत बुरा लगा, खासतौर पर 21वीं सदी में भी अगर एक महिला को इस तरीके से एस्केप बोट की तरह जो है अरविंद केजरीवाल जी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। 5 महीने के लिए जिस तरीके से अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए आतिशी जी को ला रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। जिस तरीके से देखा कि स्थितियां खराब हैं, उनके आतिश महल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, मनी लॉन्ड्रिंग घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, स्कूल घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, क्लासरूम घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, शराब घोटाला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा, उनकी बातें जनता नहीं सुन रही है, जनता नाराज है। जब 2024 के चुनाव में लोकसभा में आए थे तो उन्होंने कहा था दिल्ली की जनता को कि मुझे बस आप ये समझ कर वोट देना कि अगर आप मुझे वोट देंगे, सातों की सातों सीटें मुझे दे देंगे तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जनता ने कहा सॉरी, वापस जाइए आप। और एक और चीज भी है, इस समय तो अगर वो कमला हैरिस को भी मुख्यमंत्री बना देंगे तब भी उनके जितने पाप है वो उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, ये चीज वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और यही बातें अब से कुछ सालों पहले अरविंद केजरीवाल कहते थे, आज उनका चेहरा इतना कमजोर हो गया है कि वो बातें जो है शिवम, और इस बीच आम आदमी पार्टी के जो तमाम प्रमुख हैं, जो दिग्गज हैं, वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सुबह से ही बयानों का सिलसिला जारी है, सुनिए। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पर नहीं बैठूंगा, तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है, एक साथी उस कुर्सी पर बैठेगा, ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। वो भी खड़ाव रख के दिल्ली में शासन चलाते, कुछ ऐसा ही होगा, कुछ ऐसा ही होगा, चूंकि जितना आतिशी जी को जानते हैं, मैं इतना पक्के वादे के साथ कह रहा हूं आपको कि आतिशी जी का जो व्यवहार रहा है हम सबके प्रति, पार्टी के प्रति, नेता के प्रति, अद्भुत रहा है, और बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी के एब्सेंस में वो इस पद को भरत जी की तरह ही संभाल के रखेंगे। नहीं, हम सब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं, हमारे में से एक भी व्यक्ति के पास, हम सब दुखी जरूर हैं अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं रहेंगे कुछ समय के लिए, बट ये टेम्पररी फेज है,